वेलकम टू मिरेकल लाइफ, सोनम शर्मा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, आपके बिना क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, ऑल ओवर इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं। सो देख लेते हैं करंट सिचुएशन, करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आपके पर्सन, आपके पार्टनर की कैसी है, क्या है। सिक्स ऑफ पेंटाकल्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स। दोस्तों एक इतनी सी अगर हम पिक्चर इमेजिन करते हैं, देखते हैं, तो यहाँ पे मैं साफ साफ कह सकती हूँ, देखिए सिक्स नंबर टू टाइम यहाँ पे आया है। सिक्स नंबर यहाँ पे विनस को रिप्रेजेंट करता है। आपको देखने में लग रहा है कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर की लाइफ में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, एटलीस्ट फाइनेंशियली तो कोई कमी नहीं है, बट आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक हैं, आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा वीक है, आप फाइनेंस आपका डे बाय डे लो होता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से थोड़ी सी दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप गैप में आ रहे हैं, गैप को मेंटेन कर रहे हैं, दूरी करें कि बहुत हो गया यार, बहुत बार हो गया, कितनी बार मैं तुमसे अपनी बातों का, अपने सवालों का जवाब मांगू, लेकिन हद होती है यार, अब तो बस करो, अब मेरे को नहीं सुनना कुछ भी, तुम्हारे रोज़ के कह लो कि दिखावे कह लो या फिर बहाने कह लो, मैं थक चुकी हूँ। लेकिन आपके पर्सन अब पहली बार जब आप पास होते हो तो आपकी वैल्यू नहीं करते, आप दूर जाते हो तो बस आ जाते हैं मुँह उठाकर, लेकिन अब आपके पर्सन एक एक्शन के मोड में हैं। यहाँ पे आपके पर्सन एक्शन लेना भी चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं उनकी फैमिली बर्डन, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको एकदम से लो कर देती, आपका दूर जाना उनको बर्दाश्त नहीं होता, वो एकदम पैशनेट हो जाते हैं कि नहीं अभी कुछ डिसीजन लेना है, अभी कुछ बोलना है, अभी कुछ करना है, अभी 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 अभी। लेकिन उसके बाद क्या होता है, शाम होते होते उनकी फैमिली की साइड से कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या कुछ ऐसी बातें उनके सामने आ जाती है, उनके कंधों पर आ जाती हैं, ओह माय गॉड, कि मतलब वो वेट उस बातों को, उन चीज़ों को, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का इतना ज़्यादा होता है कि आपके पर्सन उस वेट को हैंडल नहीं कर पाते और उस चीज़ों मतलब मीन्स आपको कहीं ना कहीं वो लेट गो कर देते हैं, जैसे कि उन्होंने हमेशा से करते आए हैं। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत फायरी एनर्जी में है, देख लेते हैं इन चीज़ों को, एक बार डिस्क्राइब भी करते हैं हम लोग। ब्रेक थ्रू, साइलेंस, शेयरिंग एंड अवेयरनेस, ओके, एंड ऑफ द डक्स। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपके पर्सन, आपके पार्टनर कहीं ना किसी डैम श्योर दो सिचुएशन में यहाँ पे मैं कह सकती हूँ फंसे हुए हैं, हैंग्ड हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा। अंदर से, मन से अगर देखा जाए ना, आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको देखो यहाँ पे कुछ देना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं, दोनों में सेम एनर्जीज हैं कि वो आपको देना चाहते हैं, आपके साथ होना चाहते हैं, आपको अपनाना चाहते हैं, बट क्या करें, बस ही नहीं चलता। यहाँ पे ब्रेक थ्रू, अंदर से टूट रहे हैं, यानी अगर आप देखें ना यहाँ पे एक पर्सन घुटा हुआ है, अंदर ही अंदर दबा हुआ है, फ्रस्ट्रेशन में है, खुद को, खुद की एनर्जीज खुद ही वो संभाल नहीं पा रहे, लेकिन आपकी चुप्पी, आपका साइलेंस जो अब है, उनको थोड़ा सा खलने लग गया है। उनको लगता था कि ये पहले इतनी शेयरिंग एनर्जी में रहती थी, इतनी खिली खिली रहती थी, इतना ये रहती थी, वो रहती थी, ये रहता था, लेकिन अब इसको क्या हो गया, कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ पता है कि पहले उनकी चुप्पी ने आपको मारा, अब आपकी चुप्पी उनको मार रही है। अवेयरनेस, दोस्तों आपके पार्टनर के आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी एनर्जीज हैं जिनसे उनको बच के रहने की ज़रूरत है, यानी बच के रहना चाहिए। अब एंजल से यहाँ पे गाइडेंस ले लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे आपके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस निकल के आती है। एंजल्स प्लीज गाइड, कट योर कोर्ड्स, तीन कार्ड लेते हैं हम लोग, मैनिफेस्टेशन पावर, हील अवे एडिक्शंस, ओके। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो आपको नेगेटिव नहीं होना है,
गो विथ फ्लो के साथ रहिए, ठीक है, जो हो रहा है जैसे हो रहा है उसको होने दीजिए। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, मुझे लग रहा है आपने अपने आप को इंसुलाइन कर लिया है, आप अकेले रहना मतलब खुश हो गए, आपको खुद को अकेले रहने में मज़ा आ रहा है, लेकिन आपको नहीं पता ये अकेलापन ना आपको अंदर ही अंदर से कट कर रहा है, आपको नेगेटिव कर रहा है, आपका ऑरा डल कर रहा है। इस ऑरा डल होने की वजह से भी आपके पर्सन चाहकर भी आपके पास नहीं आ पाएंगे। सो सबसे पहले कट योर कोर्ड्स, आपको अपनी नेगेटिविटी को रिमूव करना है, अपने नेगेटिव कोर्ड्स को कट करना है। सेकेंड यहाँ पे आता है मैनिफेस्टेशन पावर। आप जो नहीं चाहते ना अपनी लाइफ में, एक्चुअल में आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे होगी। आप जो चाहते हो उसको मैनिफेस्ट करो, उसको बोलो बार बार कि हाँ वो मुझे प्यार करता है, वो मेरे पास आ रहा है, वो मेरे बिना वो कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा कुछ भी अच्छा सा मैनिफेस्ट करो। आप पता क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो मेरे से बात ही नहीं कर रहा, वो मुझे देख नहीं रहा, उसको फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा नहीं है, अक्सर हम जो बोलते हैं वो होता है। अब आप जो बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वही तो हो रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं हील अवे एडिक्शंस। कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे कहना नहीं चाहती बट कहना पड़ रहा है कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आप उनकी उनके अडिक्ट हो, मीन्स कि आपको उनकी लत है, उनकी आदत है। आप उनसे प्यार कीजिए, एडिक्शन मत बनिए। अगर एडिक्शन है तो यहाँ पे आप कि कोई भी एडिक्शन, आपके पार्टनर से जुड़े रहने की, अपने पार्टनर को बार बार मैसेज करने की, कॉल करने की या बात करने की, आपको उस एनर्जी को कट कर देना। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम तो उनसे दूर हैं, कट ऑफ है, जो कि ऊपर आई भी है ना, तो उस केस में आपको अपने पर्सन को ये रियलाइज या फील अब नहीं करवाना है। जो गाइडेंस आती है कि आपको अभी भी उनकी ज़रूरत है, आपको उनको ये फील करवाना है कि मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम हो या नहीं हो मुझे कोई मतलब नहीं, किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। तो ऑल ओवर इनर्जीज की अगर मैं बात करूँ तो आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली पॉपअप हो रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके लिए आना चाहते हैं, पर जब वो एक्शन लेने की बात करते हैं, क्योंकि उनसे आपकी चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही, तो जैसे ही वो आपके पास एक्शन लेने के लिए कोई सोचते हैं या पैर आगे रखते हैं, बढ़ते हैं एक्शन लेने के लिए, फुल अग्रेसिव हो गए, तो उनकी फैमिली बर्डन, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्स वाई जेड, उनकी वो एनर्जीज को ठम कर देता है। तो आपके पर्सन की एनर्जीज विदाउट यू, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, दिस इज ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।